दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया के बाद प्रवासी मजदूर फिर से लौटने लगे हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ दिखने लगी है। लॉकडाउन की वजह से मजदूरों ने पलायन किया था, लेकिन अब मजदूरों ने परिवार के साथ वापसी करनी शुरू कर दी है। हमारी संवाददाता भावना किशोर की ये ताजा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाते और बताते चलते हैं कि दिल्ली में अनलॉक वन की शुरुआत हो रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने फैक्ट्रियों को इजाजत दी है काम करने की और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शंस के काम को भी इजाजत मिली है। तो अनलॉक वन में आपको बता दें कि इन कामों को इजाजत दी है, बाकी दिल्ली जो है वो 7 तारीख तक बंद रहेगी। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि धीरे धीरे मजदूरों के आने का जो सिलसिला है वो राजधानी में शुरू हो चुका है। जो मजदूर अपने परिवार के साथ पलायन कर चुके थे, अपने घर जा चुके थे लॉकडाउन के कारण, वो धीरे धीरे काम पर लौट रहे हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जिस तरह की भीड़ है, ऐसी भीड़ अमूमन हमें देखने को नहीं मिल रही थी। पिछले कुछ हफ्ते से दिल्ली बंद पड़ी थी, लॉकडाउन में थी। पूरे देश में कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति के बाद लोग अपने अपने घर पलायन कर चुके थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली में अनलॉक वन की शुरुआत हो रही है, कुछ चीज़ें खुलने की इजाज़त सरकार ने दी है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग लॉकडाउन की वजह से अपने घर पलायन कर चुके थे, अब उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हमने तस्वीरें आपको आनंद विहार रेलवे स्टेशन की दिखाई। कैमरा पर्सन विपुल के साथ भावना किशोर, TV9 भारत, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।